तैयार करेंगे और बनाने का तरीका इतना आसान है कि आप इसे जी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कुकर लिया है। इसमें हम 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे और 2 टेबलस्पून बटर डालेंगे। बटर का यूज़ भाजी में अच्छे से करना है ताकि टेस्ट बहुत अच्छा आए। अब हमने यहाँ एक बड़े साइज के प्याज को बारीक काट कर ले लिया है। प्याज को हम मीडियम आंच पर अच्छे से सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। जब तक हमारे प्याज भून रहे हैं हम एक काम कर लेते हैं, हमने यहाँ 8 से 10 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च ली है। मिक्सर में चलाकर हम इन्हें दरदरा सा पीस लेंगे। तो इस तरह अदरक लहसुन हरी मिर्च का हम दरदरा पेस्ट बनाएंगे। इससे भाजी बहुत टेस्टी बनेगी। और इधर हमारे प्याज भी सॉफ्ट हो गए हैं तो अब हम इसमें ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा पेस्ट डाल देंगे और इन्हें भी 1 मिनट के लिए प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे या जब तक इनका कच्चापन नहीं निकल जाता है। तो आप इस तरह से ताज़ा अदरक हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाएंगे तो बहुत बढ़िया भाजी बनेगी। तो हमने इन्हें भी अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें 1 शिमला मिर्च को बारीक काट कर डालेंगे। शिमला मिर्च को यहाँ हम 2 मिनट के लिए भूनेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और गैस की आंच को हम मीडियम रखेंगे। शिमला मिर्च को भी हमने 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब हमने यहाँ लिए हैं 3 टमाटर। अच्छे लाल टमाटर का इस्तेमाल करना है और भाजी में टमाटर का इस्तेमाल अच्छे से करना है, तभी भाजी में एकदम टैंगी सा बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम पहले टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और कुछ मसाले भी डाल देते हैं। मैंने यहाँ 1 चम्मच नमक लिया है। नमक डालने से टमाटर फटाफट से सॉफ्ट हो जाएंगे। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। इससे भाजी का कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही 2 पिंच हल्दी पाउडर लिया है। हल्दी पाउडर एकदम कम लेना है या आप हल्दी पाउडर लेना बिल्कुल स्किप कर सकते हो। अब हम मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से भुनेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। हमने अभी टमाटर को 2 मिनट ही भुना है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि भुनते टाइम मसाले हमारे जले नहीं। तो मैं यहाँ लगभग 1/4 कप पानी डाल देती हूँ और इसे कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून रही हूँ। आप चाहें तो इसे ढककर भी पका सकते हो। और ये लीजिए, टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और साइड से जो हमने तेल बटर डाला था वो भी निकलने लगा है। मसाला अच्छे से हमारा भून गया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला डालेंगे। आप कोई भी ब्रांड का पाव भाजी मसाला इस्तेमाल कर सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 30-40 सेकेंड के लिए भून लेंगे। और ये लीजिए, पाव भाजी के लिए मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। हमने यहाँ 1 गाजर को काट कर लिया है। मैंने थोड़ा छोटा ही काटा है, आप बड़ा बड़ा भी काट सकते हो। छोटे पीसेस काटेंगे तो मैश करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। 10-12 गोभी के टुकड़े लिए हैं। यहाँ हमने 15 बीन्स को बारीक काट कर लिया है। साथ ही 1/2 कप ताज़ा मटर के दाने लिए हैं और 2 आलू लिए हैं। आलू थोड़ा हमने ज़्यादा लिया है। सब्जी आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ले सकते हो जो आपको अच्छी लगे। 1/2 बीटरूट को हमने कद्दूकस करके लिया है। जब हम सब्जियों को मैश करते हैं तो बीटरूट मैश होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है, इसके लिए आज मैंने इसे कद्दूकस करके डाल लिया है। सब्जियों को हम 2 मिनट के लिए मसालों के साथ भुनेंगे। और ये देखिए, सब्जियों को हमने मीडियम हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें लगभग 2 से 2.5 कप पानी डाल देते हैं। पानी का इस्तेमाल इस वक्त हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करना है। पानी ज़्यादा हो जाएगा तो हम जब सब्जियों को मैश करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो इस वक्त करीबन आप 2 से 2.5 कप पानी ही डालिएगा। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। आप यहाँ टेस्ट करके देख सकते हो, यदि आपको नमक कम लगे तो और डाल दीजिएगा। मुझे नमक कम लगा तो मैं इसमें 1 छोटा चम्मच नमक और डाल देती हूँ। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और कुकर का ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर 8 सीटी लगा लेंगे। 8 सीटी आने के बाद जब पूरी तरह प्रेशर निकल जाएगा तब ही हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। हमने 8 सीटी ली, कुकर ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं।
और ये हमारी जो सब्जियां हैं बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब हमें इन सब्जियों को अच्छे से मैश कर लेना है। हमने सब्जियों को मैश कर लिया है। यदि आप थोड़ी सी खड़ी पाव भाजी चाहते हैं तो आप भाजी को थोड़ा कम मैश कीजिए। और देखिए अभी हमने फिर से इसे गैस पर रख दिया है। आप चाहें तो भाजी में इस वक्त एक बड़ा चम्मच बटर डालकर 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका सकते हो, या आप मेरी तरह इस पर एक छोटा सा तड़का लगा दीजिए। आधा चम्मच तेल और एक बड़ा चम्मच भरकर बटर डालकर अच्छे से इसे मेल्ट होने दीजिए। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तड़के को हम भाजी में डाल देंगे। इससे जो हमारी भाजी का कलर है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। आप चाहें तो इस वक्त मिर्ची डालना बिल्कुल स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट आप इसमें बटर डालकर इसे 7-8 मिनट पका लीजिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके 7-8 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। कुकर खोलने के बाद बटर डालकर जब हम इसे 8-10 मिनट और पकाते हैं तो बटर पूरी भाजी में अच्छे से समा जाता है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये लीजिए, हमने भाजी को 8-10 मिनट के लिए पका लिया है। भाजी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लास्ट में हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद इसमें एक नींबू का रस डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारी